Hi friends, I am Aditi and let's start our lesson, that is Nutrition in Living Organism. This chapter is of 7th standard and its subject is the science. Nutrition in Living Organism means Jeevit Jeevo mein Poshan. The process of taking in food and using the food in the living organism is called the nutrition. तो जो प्रक्रिया होती है खाने को अंदर लेने की, भोजन को अंदर लेने की और भोजन का यूज़ करने का, इस्तेमाल करने का एक जीवित जीव के शरीर में, इसी को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन यानी पोषण. So now we will see our first point, that is nutrition yani portion. Some life processes goes on continuously in the living organism. कौन से जो जीवित प्रक्रिया जो होती है वो continuously चलते ही रहती है जीवित जीवों में. Substances which are digested and assimilated for obtaining the energy and for the growth and the health of our body are called the foodstuffs. तो जो पदार्थ से हमको जो ऊर्जा और जो मतलब के लिए हमको जो ग्रोथ, हमारे विकास के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, ये करने के लिए हम जो पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ जैसे कि पाचन और जो एसिमिलेटेड यानी आत्मसात, उसे क्या कहा जाता है? फूड स्टफ्स यानी खाद्य पदार्थ. We get several types of nutrients from the foodstuffs. They are classified as macronutrients and micronutrients. तो हमको बहुत प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं हमको खाद्य पदार्थ से मिलते हैं, और जो पोषक तत्व होते हैं उनको दो प्रकार में क्लासिफाइड, वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और मिक्रोन्यूट्रिएंट्स. The nutrients such as carbohydrate, proteins and fat need us on the large scale. So such type of nutrients is known as macronutrients. तो जो carbohydrate, fats और जो proteins होते हैं वो हमको बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो ऐसे प्रकार के पोषक तत्वों को क्या बोला जाता है? Macronutrients. And the nutrients such as the minerals and vitamins required to us on the small quantity. So this is known as micronutrients. और जो न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व जैसे कि मिनरल्स जो होते हैं और विटामिन्स जो होते हैं वो हमको बहुत कम लगते हैं, तो ऐसे प्रकार के पोषक तत्वों को क्या बोला जाता है? मिक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व. Now we will see our second point, that is autotrophic plant. Our first part that is nutrition point that is completed. Some more information is included in the पॉइंट वन, दैट इज न्यूट्रिशन. नीड फॉर न्यूट्रिशन, हमको पोषण की क्यों ज़रूरत होती है? फर्स्ट वन, टू सप्लाई द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू डूइंग द वर्क. तो सबसे पहला कि ये हमको एनर्जी पहुंचाता है हमको काम करने के लिए, एक कार्य करने के लिए. सेकेंड वन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, तो हमारा जो शरीर है उसका विकास करना, इसके लिए हमको पोषण ज़रूरी है. थर्ड वन, टू रिप्लेस द डैमेज सेल्स एंड रिपेयर द टिश्यूज, तो जो डैमेज सेल्स जो होते हैं, जो क्षतिग्रस्त जो कोशिकाएं होते हैं उनको रिप्लेस करना, मतलब उनको फिर से लगाना, और रिपेयर टिश्यूज, जो टिश्यूज होते हैं जो उत्को का मरम्मत करना. एंड वी विल से अबाउट द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सम ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड कैन नरिश देमसेल्फ, सो दिस इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो कौन से जो प्लांट्स होते हैं वो खुद को, मतलब स्वपोषी, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी स्वपोषी, वो खुद को पोषित कर सकते हैं, खुद का जो खाना है उसको निर्माण कर सकते हैं, तो ऐसे प्रकार के जो प्लांट होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी स्वपोषी पोषण. सेकेंड वन is heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition yani parposhi न्यूट्रिशन. सम ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड मीन्स प्लांट और एनिमल, सो सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो कौन से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन से जो जीव होते हैं वो दूसरे जीव पर निर्भरित होते हैं अपना खाना प्राप्त करने के लिए, जैसे कि किसी प्लांट्स पर या किसी पौधे पर या किसी एनिमल्स पर. तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन पोषण को क्या कहा जाता है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी पोषी पोषण.
Now our first point nutrition is get completed. Now we will see our second point, that is autotrophic plants. Autotrophic plants yani swaposhi paude. Plants also need food for their growth. They can produce their own food with the help of sunlight and chlorophyll, and they make their own food in their leaves using the water and nutrients from the soil and carbon dioxide from the air, and this process is called as photosynthesis. भी जो भोजन होता है वो जरूरी होता है क्योंकि उनके ग्रोथ के लिए, क्योंकि उनके विकास के लिए. तो वो क्या अपना जो खाना होता है वो निर्माण करते हैं, खुद से ही वो निर्माण करते हैं, यानी वो स्वपोषी होते हैं. किसकी मदद से? जो सूर्य प्रकाश होता है और क्लोरोफिल की मदद से अपने जो प्लांट्स होते हैं, मतलब अपने जो पत्ते होते हैं उसमें खाना बनाते हैं. जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं मिट्टी में से लेकर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं एयर में से लेकर, और ये जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, जो प्रणाली होते, इसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण. नाउ द प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ फूड. तो जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो लाइट एनर्जी यानी प्रकाश ऊर्जा को वो केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा में वो बदल देते हैं और खाने के तौर पर उसे बचा कर रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं. वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल एंड द स्टीम ट्रांसपोर्ट देम अप टू द लीव्स. तो जो पानी, खनिज और जो नमक होते हैं वो कौन ऑब्जर्व करता है? जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती है वो इसे अवशोषित करती है, और जो स्टेम होता है ये उस सभी जो पार्ट होते हैं, सभी जो पौधे के जो भाग होते हैं उन तक ये पहुंचाता है. द लीव्स हैड द माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स कॉल्ड द स्टोमाटा थ्रू विच दे टेक द C02 फ्रॉम द एयर. तो जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, उनके पास क्या होता है? एक माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स होती है, यानी सूक्ष्म उद्घाटन होता है, जिसे क्या कहा जाता है? स्टोमाटा यानी पेटाटा. CO2 मतलब CO2 लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 यानी मतलब का कार्बन डाइऑक्साइड, वो एयर में से, वायु में से वो लेते हैं. एंड द क्लोरोप्लास्ट्स प्रेजेंट इन द लीव्स कंटेन द क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब्स sunlight, helping to convert carbon dioxide and water into the food. Oxygen is given out in this process. तो जो chloroplasts होते हैं वो किधर present होते, किधर स्थित होते? Leaves में, जिनमें क्या शामिल होता है? Chlorophyll शामिल होता है, जो कि क्या अवशोषित करता है? Sunlight, सूर्य प्रकाश अवशोषित करता है. और वो क्या मदद करता है? कि जो carbon dioxide होती है और जो oxygen होते हैं उसको खाने में बदलने के लिए. और जो oxygen होता है वो हमको इसी प्रक्रिया के दौरान दिया जाता है. बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट इज कैरिड आउट बाय सम अदर पार्ट्स लाइक द ग्रीन स्टीम टू कैन एज दे कंटेन द क्लोरोफिल. तो जो लीव्स होते, जो पत्ते होते, उनकी वजह जो फोटोसिंथेसिस जो होती है, जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, वो दूसरे जो पौधे के जो भाग होते हैं वो भी इसे कर सकते हैं. जैसे कि ग्रीन कलर का जो स्टेम होता है वो इसे कर सकता है, यानी जो प्लांट की जो डंडी होती है वो, अगर उनमें क्लोरोफिल होता है तो. सो आवर सेकेंड पॉइंट, दैट इज ऑटोट्रोपिक प्लांट, इट इज ऑल्सो गेट कंप्लीटेड. Now we will see our third point, that is transport system in plants. यानी जो पौधे होते हैं उनमें परिवहन प्रणाली. The transport system in plants contains of the xylem and phloem. तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो परिवहन प्रणाली जो होती है प्लांट में, पौधों में, उसमें क्या शामिल होता है? जाइलम और फ्लोएम. द जाइलम ट्रांसपोर्ट्स द मिनरल्स एंड द वाटर्स फ्रॉम द रूट टू द ऑल एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड ग्लूकोज फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो जाइलम क्या करता है कि जो पानी, ये पानी और जो खनिज होता है, जो जड़े होते हैं वो ले लेते हैं, अवशोषित करते हैं, और सभी जो उसके पौधे के जो भाग होते हैं उन तक ये पहुँचाती है. और फ्लोएम क्या करता है कि जो खाना होता है, जो ग्लूकोज यानी मतलब शर्करा जो होता है वो लीव्स में
नहीं बनता है तो लीफ से ही वो दूसरे जो पार्ट होते भाग होते हैं पौधों के उन तक ये पहुंचाते हैं। एंड थ्रू द प्लांट्स हैज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दे डज नॉट हैज द सेपरेट डाइजेस्टिव और एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो प्लांट के पास क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी परिवहन प्रणाली होती है, तो उनके पास एक अलग प्रकार का डाइजेस्टिव पाचन या घृणित प्रणाली नहीं होती है। द प्रोटीन्स द प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के मतलब फोटोसिंथेसिस जब होता है तो जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो क्या निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स निर्माण करते हैं। एंड द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड फ्रॉम द कार्बन, ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन, वाइल द प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम द कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं, कार्बन से बने हुए होते हैं और ऑक्सीजन से बने हुए होते हैं। लेकिन जो प्रोटीन्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, मतलब उसमें ये तीनों के तीनों होते हैं और नाइट्रोजन भी उसमें शामिल होता है। एयर कंटेन्स गैसेस नाइट्रोजन। और थर्ड पॉइंट दैट इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स, इट इज गेट कंप्लीटेड। एयर कंटेन्स गैसेस नाइट्रोजन, हाउएवर प्लांट्स कैनॉट यूटिलाइज गैसेस नाइट्रोजन। तो एयर में, वायु में क्या शामिल होता है, गैसेस नाइट्रोजन शामिल होता है, लेकिन जो पौधे होते हैं ये इसका गैसेस नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते। इट्स नीड टू बी फिक्स्ड कन्वर्टेड इंटू इट्स कंपाउंड्स। तो ये क्या, इसको फिक्स्ड करना ज़रूरी है, मतलब इसको ठीक करना ज़रूरी है, और किस में इसको परिवर्तन करना ज़रूरी है, कंपाउंड्स में यानी यौगिकों में। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑकर्स बाय द बायोलॉजिकल एंड एटमोस्फियरिक मेथड्स। तो जो फिक्सेशन होता है, जो निर्धारण होता है नाइट्रोजन का, वो कैसे किया जाता है, कैसे ऑकर होता है, बायोलॉजिकल यानी जैविक और एटमोस्फियर यानी एटमोस्फियरिक यानी वायुमंडलीय प्रक्रिया से। सो नाउ वी विल सी अवर फोर्थ पॉइंट दैट इज बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। अवर फोर्थ पॉइंट नेम इज बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन का जैविक निर्धारण। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ब्रिंग अबाउट द बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो दो अलग अलग प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो बायोलॉजिकल जो जैविक निर्धारण जो होता है नाइट्रोजन का वो उसे ला सकते हैं। रूट नोडलेस ऑफ लिगोमिनस प्लांट्स कंटेन द रिजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो रूट नोडुलस होते हैं लिगोमिनस प्लांट के, जैसे फलीदार प्लांट के जो फलीदार पौधे होते हैं उनमें क्या होते हैं, रिजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब्स द एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू इट्स नाइट्रेट्स अ कंपाउंड। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं और उसको किस में बदल देते हैं, उसके नाइट्रेट्स में, यानी एक प्रकार का एक यौगिक है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक द एजोटोबैक्टर आर प्रेजेंट इन द सॉइल, दे ऑल्सो कन्वर्ट एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन इंटू नाइट्रेट्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं जैसे एजोटोबैक्टर, वो भी जो मिट्टी होते हैं उसमें भी वो स्थित होते हैं और वो क्या कन्वर्ट करते हैं, वो एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उनके नाइट्रेट्स में वो कन्वर्ट करते हैं यानी बदल देते हैं। सो अवर फोर्थ पॉइंट दैट इज बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इज गेट कंप्लीटेड। नाउ वी विल सी अवर फिफ्थ पॉइंट दैट इज एटमोस्फियरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। एटमोस्फियरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन यानी वायुमंडलीय निर्धारण नाइट्रोजन का। द लाइटनिंग थंडरबोल्ट्स ऑकर्स इन द रेनी सीजन एंड दिस कॉजेज एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म द नाइट्रिक ऑक्साइड मीन्स NO एंड विच इज अगेन ऑक्सीडेड टू फॉर्म द नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड NO2। तो जो लाइटनिंग होती है, तो जो बिजली होती है, जो गरज होती है, वो कभी आती है रेनी सीजन में यानी वर्षा ऋतु में आती है। तो इससे क्या होता है कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है और जो ऑक्सीजन होती है वो एक दूसरे में एक प्रक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, वो नाइट्रिक एसिड यानी NO, और जो कि फिर से वो ऑक्साइडेड हो जाता है, यानी वो फिर से ऑक्साइडेड हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनने के लिए यानी NO2।
एंड द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्स इन द रेन वाटर एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रिक एसिड HNO3। तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो किस में घुल जाता है, जो पानी वर्षा ऋतु का जो पानी होता है उसमें वो घुल जाता है, और वो किस में बदल जाता है, नाइट्रिक एसिड में, यानी HNO3 में। एंड विच गेट्स एडेड टू द सॉइल अलॉन्ग विद द रेन वाटर, जो कि मिट्टी में मतलब ऐड हो जाता है, मिक्स हो जाता है, घुल जाता है, किसकी मदद से, किसके साथ, रेन वाटर के साथ। एंड दिस एसिड रिएक्ट्स विद द डिफरेंट मिनरल्स एंड इन द सॉइल एंड कन्वर्ट इन टू द सॉल्ट। तो ये जो एसिड होता है, ये जो एसिड होता है ये क्या रिएक्ट्स करते हैं, ये क्या प्रक्रिया करता है, अलग अलग जो मिनरल्स होते हैं यानी जो खनिज होते हैं उनके साथ जो मिट्टी में होते हैं, और बाद में ये किस में बदल जाता है, सॉल्ट्स में यानी लवण में बदल जाता है। प्लांट्स यूज दिस नाइट्रोजन सॉल्ट्स फॉर देयर ग्रोथ, तो जो पौधे होते हैं ये इस प्रकार के नाइट्रोजन लवण जो होते हैं इसको ये इस्तेमाल करते हैं अपने खुद का विकास के लिए, ग्रोथ के लिए। सो आवर फिफ्थ पॉइंट दैट इज एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इज ऑल्सो गेट्स कंप्लीटेड। नाउ वी विल सी आवर सिक्स पॉइंट दैट इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन यानी सहजीवी पोषण, न्यूट्रिशन। इन सम केसेस टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स लिव टुगेदर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड न्यूट्रिशन विद ईच अदर्स हेल्प। सो दिस इज नोन एज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो कौन से केसेस में जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, एक या एक से ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा जो पौधे होते हैं वो एक साथ रहते हैं अपनी खुद के जो ज़रूरतें होती है उसको पूरी करने के लिए, जैसे बचाने के लिए, सपोर्ट के लिए या न्यूट्रिशन पोषण के लिए एक दूसरे की मदद से। तो ऐसे प्रकार के पोषण को क्या कहा जाता है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन यानी सहजीवी पोषण। सम फंगी ग्रो अराउंड द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स एंड दिस प्लांट्स सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स टू द फंगी एंड इन रिटर्न द फंगी सप्लाई द मिनरल्स एंड वाटर्स टू द प्लांट्स। तो कौन से जो फंगी होते हैं यानी जो कवक होते हैं वो पौधे के जो रूट्स होते हैं, जड़े होते हैं उनके पास वो उगते हैं, और जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं वो फंगी को क्या देते हैं, कवक को क्या देते हैं, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण देते हैं, तो मतलब पोषण तत्व देते हैं, और रिटर्न में मतलब जो फंगी होता है, जो कवक होता है वो पौधों को क्या देता है, खनिज और पानी देता है। सम ऑफ द फंगे एंड एल्गे लिव टुगेदर, कौन से जो कवक जो होते हैं और जो शैवाल जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं एंड द फंगी सप्लाई वाटर, मिनरल एज वेल एज शेल्टर टू द एल्गे एंड इन रिटर्न द एल्गे सप्लाई द फूड टू द फंगी। तो जो फंगी होता है, जो कवक होता है वो क्या देता है, मिनरल्स, खनिज, पानी, और जो शेल्टर यानी जो आसरा होता है वो एल्गे को देता है यानी शैवाल को देता है, और शैवाल उसको क्या देता है, भोजन देता है फंगी को। सो आवर सिक्स पॉइंट दैट इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन इज गेट कंप्लीटेड। नाउ वी विल सी आवर सेवन पॉइंट दैट इज हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स। हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स यानी परपोषी पौधे। हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स डज नॉट कंटेन द क्लोरोफिल, तो जो हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। हाँ, एंड द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द बॉडी सर्फेस ऑफ द अदर प्लांट्स टू ऑब्टेन देयर फूड एंड सच टाइप ऑफ प्लांट्स इज नोन एज द पैरासिटिक प्लांट्स। तो जो पौधे होते हैं वो दूसरे पौधे के जो शरीर होते हैं उन पर वो उग जाते हैं अपना जो खाना होता है उसको प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे प्रकार के पौधों को क्या कहा जाता है, पैरासिटिक प्लांट्स यानी परजीवी पौधे। फॉर एग्जाम्पल लोरेंथस, कुस्कुता एक्सेट्रा, जैसे के लिए एग्जाम्पल के लिए लोरेंथस और कुस्कुता एक्सेट्रा। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द क्लोरोफिल द कुस्कुता इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट प्लांट्स, हैंस इट इज टू बी कम्प्लीटली सेड द पैरासिटिक प्लांट। तो जो क्लोरोफिल होता है वो नहीं होता है कभी कभार जो कुस्कुता होता है उसमें, तो जो कुस्कुता होता है वो पूर्णपने से किस पर निर्भरित होता है, होस्ट प्लांट पर यानी मेजबान संयंत्र पर वो पूर्णपने से निर्भर होता है अपने खाने को प्राप्त करने के लिए। तो ये जो कुस्कुता होता है इसको हम कंप्लीटली पूर्णपने से क्या बोलते हैं, पैरासिटिक
प्लांट्स यानी परजीवी पौधे. सो आवर पॉइंट दैट इज 7 पॉइंट दैट इज हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स इट इज गेट कंप्लीटेड. नाउ वी विल सी आवर 8 पॉइंट दैट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यानी कीट खाने वाले जो पौधे होते हैं वो. वी हैव सीन दैट सम प्लांट्स फीड अपॉन सम इंसेक्ट टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स. हमने देखा है कि कौन से जो पौधे होते हैं वो फीड होते हैं यानी वो खिलाते हैं इंसेक्ट्स को, क्योंकि मतलब इंसेक्ट्स को वो खिलाते हैं अपना जो कीट को वो खिलाते हैं अपना जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको प्राप्त करने के लिए. एंड दिस इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जनरली ग्रो इन द सॉइल एंड ऑर द वॉटर डिफिशियंट इन द नाइट्रोजन कंपाउंड्स. तो ये जो पौधे होते हैं ये किधर जनरली मतलब ग्रो होते, किधर उगते हैं? या तो मिट्टी में उगते या तो पानी में उगते, लेकिन उनके पास जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स यानी नाइट्रोजन यौगिकों की उनके पास कमी होती है. एंड द प्लांट बॉडी ऑफ द ड्रोसेरा बुरमानी of the Drosera burmani has a flower like the appearance. It grows close to the ground and its leaves are attractively pink and red in color and the hairs at its margin. To jo plant body hoti hai, jo plant ki jo body hoti hai, sharir hota hai Drosera burmani ki, uske paas ek jo flower hota hai, phool hota hai, ek dikhavat jaisa appearance jaisa, aur wo jo ground hota hai, jo surface hota hai ya jo mitti hoti hai uske ekdam close, ekdam aisa close grow होता है, उगता है. और उसके पास जो पत्ते होते हैं वो पिंक या गुलाबी या लाल कलर में होते हैं और वो बहुत आकर्षित करने वाले होते हैं. और उनके जो मार्गिन्स होते हैं उनके जो बाजू में क्या होता है, एक हेयर्स होते हैं. वी हैव लर्न अबाउट द प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस व्हाट इज द मार्गिन. सो द ड्रॉपलेट्स ऑफ द स्टिकी सब्सटेंस फाउंड एट द टिप्स ऑफ द हेयर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. तो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो बूंदे होती है एकदम चिपचिपे पदार्थ की, जो कि सबसे ऊपर ये जो हेयर्स होते हैं उनके बाल होते हैं उन पर पाए जाते हैं, तो ये जो कीट होते हैं उसको बहुत आकर्षित करते हैं. द साइंटिस्ट जोहान्नस बुरमान आइडेंटिफाइड दिस प्लांट इन श्रीलंका इन 1737. हैंस द प्लांट वॉज नेम्ड आफ्टर हिम. तो जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, जो उनका नाम था जोहान्नस बुरमान, इन्होंने श्रीलंका में 1737 में एक पौधा, ये वाला जो पौधा था ड्रोसेरा बुरमानी, इसको खोजा था. और ये जो पौधा था ये जोहान्नस बुरमान के बाद जो पौधा था उसको नाम दिया गया. सो आवर पॉइंट 8 पॉइंट दैट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट इट इज गेट कंप्लीटेड. नाउ वी विल सी आवर 9 पॉइंट दैट इज सेप्रोफाइटिक प्लांट्स. सेप्रोफाइटिक प्लांट्स यानी मृतोपजीवी पौधे. द प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग बॉडीज ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड अ सेप्रोफाइटिक प्लांट्स. तो जो पौधे जो अपना खाना होता है वो मरे हुए या जो श्रय जो बॉडीज होते हैं, श्रय शरीर जो होते हैं दूसरे जीव के, उससे वो अपना खाना प्राप्त करते हैं. तो ऐसे प्रकार के जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? सेप्रोफाइटिक प्लांट्स यानी मृतोपजीवी पौधे. वेरियस टाइप्स ऑफ द फंगी लाइक द मशरूम्स एंड द यीस्ट आर द सेप्रोफाइट्स. फंगी सीक्रेट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन द डेड रिमेंस टू डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन द न्यूट्रिशन कंपाउंड्स एंड दे कंटेन द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज एब्जॉर्ब टू ऑब्टेन न्यूट्रेंट्स. तो बहुत सारे प्रकार के फंगी जैसे कि मशरूम्स होते हैं और जो यीस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब वो सेप्रोट्रॉप्स सेप्रोफाइट्स होते हैं. और जो फंगी होता है वो क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं उसको स्त्राव करता है, जो डेड जो मरे हुए जो बॉडीज होते हैं उन पर.
ऊपर, क्योंकि पाचन करने के लिए या जो कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं, कार्बन यौगिकों जो होते हैं, उसको तोड़ने के लिए जो उनमें शामिल होते हैं। और इससे क्या होता है, इससे क्या रिजल्ट होता है कि वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो उसको ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। सो द वेरियस फंगी लाइक सम फंगी कॉजेज डिजीजेस और इलनेस। तो फूड जो होते हैं वो बासी क्यों हो जाते हैं? बहुत सारे फंगी की वजह से, बहुत सारे कवक की वजह से। और कौन से जो फंगी होते, कवक जो होते हैं, वो डिजीजेस, बीमारियां फैलाते हैं। वाइल सम फंगी हैव द मेडिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन कौन से जो फंगी होते, कवक जो होते, उनके पास एक औषधीय गुण होते हैं। यीस्ट एंड सम मशरूम्स आर यूजफुल, लाइक द यीस्ट इज यूज्ड इन द फर्मेंटेशन प्रोसेसेस एंड फॉर मेकिंग द ब्रेड। तो जो यीस्ट होता है और जो मशरूम्स होते हैं वो बहुत कामदायक होते हैं। जैसे कि जो यीस्ट होते हैं, ये क्या इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? सिरका, सिरके के जो प्रक्रिया होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो ब्रेड होते हैं इसको बनाने के लिए। वाइल द मशरूम्स आर द रिच सोर्स ऑफ द आयरन एंड विटामिन्स, लेकिन जो मशरूम्स होते हैं वो बहुत बड़े सूत्र होते हैं आयरन्स और विटामिन्स के। सो आवर 9 पॉइंट, दैट इज सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, इट इज गेट कंप्लीटेड। नाउ वी विल सी अवर 10th पॉइंट, दैट इज रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ देयर डेफिशिएंसी ऑन प्लांट्स। नाउ वी विल सी अवर 10th पॉइंट, दैट इज रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ द डेफिशिएंसी ऑन प्लांट्स। तो न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व के क्या कार्य है और उनका क्या प्रभाव होता है कमी प्लांट्स पर, यानी पौधे पर। सो दिस आर न्यूट्रिएंट्स, यानी पोषक तत्व, लाइक फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन, सेकेंड वन इज फॉस्फोरस, थर्ड वन इज पोटेशियम एंड फोर्थ वन इज मैग्नीशियम, फिफ्थ वन इज आयरन एंड सिक्स्थ वन इज मैंगनीज एंड सेवेंथ वन इज द जिंक। सो वी विल सी अबाउट इट्स फंक्शंस एंड इफेक्ट्स ऑफ इट्स डेफिशिएंसी। तो हम इनके कार्य के बारे में पढ़ेंगे और इनका जो प्रभाव होता है कमी का, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन। नाउ वी विल सी अबाउट इट्स फंक्शंस, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल एंड साइटोप्लाज्म। तो ये इसका कार्य, नाइट्रोजन का कार्य, तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है प्रोटीन्स का, क्लोरोफिल का और साइटोप्लाज्म का। नाउ इफेक्ट्स ऑफ इट्स डेफिशिएंसी, उसकी कमी का प्रभाव, रिटार्डेड ग्रोथ, रिटार्डेड स्टंटेड ग्रोथ एंड येलोइंग ऑफ लीव्स। तो क्या होता है कि उनका जो ग्रोथ होता है, मतलब मंद या छोटा कद का उनका ग्रोथ होता है, विकास होता है, और जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो पीले कलर के हो जाते हैं। नाउ सेकेंड वन इज फॉस्फोरस, अबाउट इट्स फंक्शंस, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। उसके कार्य क्या होते हैं कि लाइट एनर्जी जो होती है, प्रकाश जो ऊर्जा होती है, उसको रासायनिक ऊर्जा में ये बदल देता है। एंड नाउ इफेक्ट्स ऑफ इट्स डेफिशिएंसी, उसके कमी के प्रभाव, अर्ली लीफ फॉल, लेट फ्लावरिंग एंड स्लो ग्रो रूट्स ग्रोइंग। तो जल्दी से जो पत्ते होते हैं वो गिरने लगते हैं, जो फूल होते हैं वो बहुत देरी से उगते हैं, और जो रूट्स होते हैं, जो उनकी जो जड़ें होती है, वो बहुत धीरे धीरे विकसित होती है। थर्ड वन इज पोटेशियम, अबाउट इट्स फंक्शंस, नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो उसके कार्य, उस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस यानी चयापचय जो गतिविधियाँ होती है उनमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ इट्स डेफिशिएंसी, उसके कमी के प्रभाव, वीक स्टेम, विल्टिंग ऑफ लीव्स एंड फेलियर टू प्रोड्यूस द कार्बोहाइड्रेट्स। तो उसके जो स्टेम होते हैं, जो उसके डंडी होती है, वो बहुत कमजोर हो जाती है और विल्टिंग ऑफ लीव्स हो जाते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट्स निर्माण करने में वो असफल हो जाता है। नाउ फोर्थ वन न्यूट्रिएंट इज द मैग्नीशियम, अबाउट इट्स फंक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल। तो उसका कार्य क्या होता है कि वो क्लोरोफिल होता है उसको निर्माण करता है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ इट्स डेफिशिएंसी आर स्लो रिटार्डेड ग्रोथ एंड येलोइंग ऑफ लीव्स। तो उसके कमी के प्रभाव कौन से होते हैं कि कम ग्रोथ होती है, मतलब मंद विकास होता है उनका, और उनके जो पत्ते होते हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं, पीले कलर के हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन न्यूट्रिएंट इज द आयरन, अबाउट इट्स फंक्शंस इज द आल्सो प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल। उसका कार्य भी क्या होता है कि क्लोरोफिल का निर्माण करता है। एंड अबाउट इफेक्ट्स ऑफ इट्स डेफिशिएंसी आर येलोइंग ऑफ लीव्स। तो फिर से वो जो पत्ते होते हैं उसको वो पीले कर देते हैं। नाउ सिक्स्थ वन, दैट इज सिक्स्थ वन न्यूट्रिएंट इज द मैग्नीज,
अबाउट इट्स फंक्शंस इज द प्रोडक्शन ऑफ मेन प्लांट हॉर्मोन्स। तो एकदम महत्वपूर्ण जो प्लांट होते हैं, पौधे, संयंत्र, उसका ये निर्माण करते हैं। एंड अबाउट इफेक्ट्स ऑफ इस डेफिशिएंसी, उसके कमी के प्रभाव, रिटार्डेड ग्रोथ एंड स्पॉटेड लीव्स। तो उनका जो ग्रोथ होता है, विकास होता है, वो बहुत मंद हो जाता है, और स्पॉटेड लीव्स यानी चित्तीदार लीव्स हो जाते हैं, पत्ते हो जाते हैं उनके। नाउ लास्ट न्यूट्रिएंट दैट इज 7th, जिंक यानी जस्ता। अबाउट इट्स फंक्शंस आर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स और एंड देयर इंटरमीडिएट्स। तो जो हॉर्मोन्स होते हैं, उनका ये निर्माण करते हैं, संयंत्र होते हैं, उसका निर्माण करते हैं, और उसके इंटरमीडिएट्स यानी मध्य यानी इंटरमीडिएट्स का करते हैं। नाउ इफेक्ट्स ऑफ इस डेफिशिएंसी, उनके कमी का प्रभाव, रिटार्डेड ग्रोथ, येलोइंग ऑफ लीव्स। तो जो उनका विकास होता है, ग्रोथ होता है, वो बहुत मंद हो जाता है, और जो पत्ते होते हैं वो पीले कलर के हो जाते हैं। सो आवर 10th पॉइंट दैट इज रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ दैट डेफिशिएंसी ऑन प्लांट्स, इट इज आल्सो गेट कंप्लीटेड। सो दिस वाज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट दैट वी हैव लर्न न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अबाउट द प्लांट्स वी हैव लर्न, दिस वाज आवर फर्स्ट पार्ट। इन सेकंड पार्ट अबाउट द एनिमल्स देयर न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एनिमल्स, सेकंड पार्ट। सो आवर लेसन इज कंप्लीटेड दैट इज न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन इट वी हैव लर्न अबाउट द 10 पॉइंट्स, वी हैव लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग ऑफ द फूड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। आवर फर्स्ट पॉइंट वॉज द न्यूट्रिशन। इन इट वी हैव लर्न अबाउट द मिक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, वी हैव लर्न अबाउट नीड फॉर न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन, वी हैव लर्न अबाउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आवर सेकेंड पॉइंट वॉज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स यानी स्वपोषी पौधे। इन इट वी हैव लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वी हैव लर्न अबाउट द लीव्स हैज द माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स कॉल्ड द स्टोमाटा फ्रॉम विच दे टेक C02 फ्रॉम द एयर। We have learned about beside leaves CO2 from the air. Beside leaves, photosynthesis is carried out by some other parts of the plant like the green stem from which they as they contain the chlorophyll. Then our third point was transport system in plants means parivahan pranali. The transport system in plants contains of the xylem and phloem. Then our fourth point was the biological fixation of nitrogen. यानी जो nitrogen होता है उसका जैविक निर्धारण। We have learned about two or different types of plants means different types of microorganism can bring about biological fixation of nitrogen. Then our fifth point was atmospheric fixation of nitrogen. यानी nitrogen का वायुमंडलीय निर्धारण। In it we have learned about the lightning thunderbolts occurs in the rainy season and this causes atmospheric nitrogen and oxygen to react and with the each other to form the nitric oxide means NO and O. And then our sixth point was the symbiotic nutrition yani sahajeevi nutrition yani portion. In it we have learned about what is symbiotic nutrition and we have learned about some fungi grow around the roots of some plants and some fungi and algae live together. Then our seventh point was the heterotrophic plants yani parposhi पौधे। इन इट वी हैव लर्न अबाउट पैरासिटिक प्लांट्स, कंप्लीटली पैरासिटिक प्लांट्स। देन आवर 8th पॉइंट वॉज इंसेक्टिवरस प्लांट्स यानी कीट खाने वाले जो पौधे होते, वी हैव लर्न अबाउट इट्स इंसेक्टिवरस प्लांट। एंड द प्लांट लाइक बॉडी ऑफ ड्रोसेरा बुरमानी हैज अ फ्लावर लाइक अपियरेंस एंड द साइंटिस्ट जॉनस बुरमान आइडेंटिफाइड दिस प्लांट इन श्रीलंका इन 1737, हेंस द प्लांट वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। Then our 9th point was the saprophytic plants means mrutopjeevi paudhe. We have learned about what is saprophytic plants and various types of the fungi like mushrooms and the yeast are the saprophytes. Then currently we have learned about the 10th point that is role of nutrients and effects of their deficiency. The nutrients such as we have learned now that is nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium and iron and manganese and zinc. So our lesson is completed that is nutrition in living organism yani jeevit jeevo mein portion. Jai Hind.